दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एनसीआर में एटीएम उखाड़ने वाले मेवाती गैंग के फरार मुख्य लुटेरे तैयब को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बदरपुर दिल्ली में एटीएम तोड़ने और 34 लाख कैश की हेराफेरी के सनसनीखेज मामले में वांटेड था। उसके पास से एक सिंगल शॉट पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए। पुलिस इससे पहले 3 आरोपियों इमरान, शकील और सलमान को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस गिरोह के सदस्य दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में एटीएम को उखाड़ने एवं तोड़ने और उससे कैश निकालने में माहिर थे। गिरफ्तार तैयब ने खुलासा किया कि वो मेवात स्थित लुटेरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य है। उसने स्वीकार किया है कि उसने अपने 4 सहयोगियों इमरान, शकील, सलमान और एक राहुल के साथ मिलकर दिल्ली के बदरपुर में एसबीआई बैंक का एक एटीएम उखाड़ दिया था और रुपए निकाल लिए थे। उस रात का तैयब ने खुलासा किया है कि वो अपने 4 साथियों के साथ दिल्ली में एक स्विफ्ट कार से दिल्ली आया था और दिल्ली में बदरपुर फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक पहले से ही चोरी हुई बुलेरो कार ले गए थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य दिल्ली एनसीआर में एटीएम उखाड़ने, हत्या की कोशिश, पुलिस पर हमला, चोट, धमकाना, चोरी, वाहन उठाना, शस्त्र अधिनियम समेत 20 से अधिक अपराध को अंजाम देने में शामिल रहे हैं।